पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ख्वाह वो सिक्योरिटी इदारे हों, ख्वाह वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, ख्वाह वो सिविल लाइन हों, मेरे अपने घर से मैंने अपने दादा, अपने बड़े भाई, अपने चाचा, अपने वालिद समेत उनके साथी जिनमें 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चे, उनसे लेकर 60-70 सालों के बुज़ुर्गों के जनाजे इस कंधे से उठाए हैं। और इस अफसरदा हालात में हमारी जो कुर्बानी के जज्बे हैं, हमारी जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, हमारी दिलों से कभी कम नहीं है। लेकिन आज आप सब की मौजूदगी में मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ख्वाह वो सिविल लाइन हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, जो भी हों, हमने किसी ज़ाती मुफाद के लिए कुर्बानी नहीं दी है, हमने किसी कुर्सी के लिए कुर्बानी नहीं दी है। अगर हमने जानों का नजराना पेश किए हैं तो पाकिस्तान की सलामती के लिए किए हैं, अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो पाकिस्तान की बका के लिए किए हैं, अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो पाकिस्तान की वफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे आप सब साफ़ी हज़रात को पता है कि बलूचिस्तान में ऐसा कोई भी घर नहीं जिससे जनाजे नहीं उठे हों, और जनाजे उठते हैं दहशतगर्दी के बायस। लेकिन ये हमारा मुल्क है। उसके अलावा मैं 9 मई के वाकयात पर भी आना चाहता हूँ। 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, यकीनन उन वाकयात को देखकर हर पाकिस्तानी के का दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तानी फ़ौज के हज़ारों कुर्बानियां हैं, और ये हम नहीं कहते कि आप सियासत ना करें। सियासत आपका जमहूरी हक है, सियासत आपका हक है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। लेकिन अगर सियासत की आड़ में आके अगर आप अपने अफवाज पाकिस्तान को उसके ऊपर अटैक करते हैं और मुल्क की सलामती को उसके ऊपर आप अटैक करते हैं, मुल्क शहीदों के यादगारों हैं उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिले मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो सियासत है वो बलूचिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है। लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट किए। इसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में जो सियासतदान या जिनका जो बलूचिस्तान को तब्दीली करने का उनका ख्वाब था वो आज ख़त्म हुआ है और वो रियासत के सामने खड़े हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने आप सब के सामने मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान आजकल एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। दुश्मन हमारे घर में बैठा है, दुश्मन हमारे बाहर भी दुश्मन है, इंटरनली और एक्सटर्नली हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। लेकिन अगर हम इत्तेफाक करें, अपने दादों की कदर करें, अपने शहदा की हम कदर करें, मैं समझता हूँ कि दुश्मन हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकेगा। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली भी हैं। लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फ़ौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। फिर आते हैं हम बलूचिस्तान की तरफ, क्योंकि हमारा हम सब बैठे हुए हैं, हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो इन चंद दिनों बलोच नौजवान को वरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के ज़रिए। तो हाल ही में जैसे आप सबको पता होगा कि बलोच, दो बलोच शरपसंद तंजीमों के जो सरबराह हैं उनको हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा, और ये हम अपनी खुफिया एजेंसियों को खराज तहसीस भी पेश करते हैं उनकी। और ये जो वाकया है, ये जो अचीवमेंट है, ये काबिल अप्रिशिएशन भी है। तो उनसे ये पता चला
जो ये पकड़े गए हैं कि बलूचिस्तान के नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ें, आप दहशतगर्दी करें, और उनको बाकायदा एक मकबूल रकम अदा किया जा रहा है कि आप बलूचिस्तान के जो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, आप उसको सबोटाज करें। दूसरी तरफ इनके प्रोपेगेंडे में पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नए नए लोग उनको रियासत के सामने सपोर्ट किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप रियासत के ख़िलाफ़ लड़ें। तो बलोच नौजवानों को और ख़ासकर पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनमें दुश्मन को एक फ़ायदा मिला है, और हम ये कभी इजाज़त नहीं देते। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के लिए हमारी कई कुर्बानियां हैं, और हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि किसी को, बाहर के दुश्मन को, कि आप हमारी सियासी इंस्टेबिलिटी का, हमारे कमज़ोरियों का आप फ़ायदा उठाएं। दूसरे तरफ जो आपके अंदरूनी दुश्मनों को, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फॉरेन फैक्टर्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि बलोच जो नौजवान हैं वो अपने पाक अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने बलूचिस्तान जो हमारा धरती है उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से एक बलोच नौजवान की हैसियत से उन बलोच तंजीमों को से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के गैरत के ठेकेदार हैं, आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के तब्दीली लाने के आप हैवीवेट हैं, आप चैम्पियन हैं, आप ठेकेदार हैं, आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के रस्म व रिवाजों के ठेकेदार हैं, लेकिन आजकल जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये बलोच को बलोच के साथ लड़ा रहे हैं आप। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज के हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है, हम बलूचिस्तान के बच्चे हैं, औलाद हैं बलूचिस्तान के, लेकिन दूसरी तरफ आप खातून को इस्तेमाल करके अटैक करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में तो नहीं है, ये हमारे कबायली रस्म रिवाज में तो नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, बलोची रस्म रिवाज में हमारी खातून की एक अहम किरदार है, ठीक है ना जी। खातून का एक इंटरवीनर आप इंग्लिश में कह लें, पीस इंजीनियर आप इंग्लिश में कह लें, उसका वो किरदार है। ये किरदार नहीं कि आप फलाने को फलाने के साथ लड़ाएं। बलूचिस्तान में अगर आप आएं, अगर दो अक्वाम के दरमियान लड़ाई शुरू है, तो खातून को, ख्वातीन को ये इजाज़त है को वो इंटरवीन करें, और ये जो इंटरवीन वो करेंगे वो लड़ाई या झगड़ा जो है वो जंगबंदी की तरफ जाता है। लेकिन फिर से मैं उस मौजू पे वापस आ रहा हूँ कि बलोच नौजवानों को, बलोच ख्वातीन को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल से मुराद ये है कि हमारा बलोची जो माशरा है, उधर मैं से जैसे कहा कि अहम हमारा किरदार है वुमेन का, और उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूड प्लेस है, लेकिन दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि क्योंकि हमारे जो आप के जो सिक्योरिटी, हमारे जो वीकनेस हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर बिलफर्ज बलोच किसी खातून को हम चेक करें हमारे सिक्योरिटी, क्यों, मुझे एहसास है, मुझे पता भी है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे फोर्सेस हैं, वो चादर और चार दिवाली का वो कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्यों, बलूचिस्तान के लोकल भी हैं उसमें। लेकिन ये जो दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि आपसे सुसाइड बॉम्बिंग्स करवा रहा है, ये काबिल मजम्मत है, और हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जो रस्म रिवाज है हम इसकी पामालियाँ कभी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर क्योंकि एज अ बलोच नौजवान, जो जैसे कि हमने होश संभाला है, हमारे आगे दो चॉइसेस आते हैं,
एक चॉइस अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़े। दूसरी चॉइस होता है कि बंदूक उठा के पहाड़ों पे आप जाएं और मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ें। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उन, ये खुशाइन बात है, इसमें हम नहीं कहते आप सरेंडर ना करें, क्योंकि रियासत एक माँ है, रियासत पाकिस्तान हमारा, रियासत हमारा माँ है, और औलाद से जितनी भी गलतियाँ हों वो माँ माफ़ कर देती हैं। तो ये एक खुश आइंद एक्सपीरियंस है, और मैं बलूचिस्तान का वाहिद जो हल है वो रिकन्सिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बगैर नहीं है, क्योंकि इसी का जो यही फैक्टर हमारे जो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में बड़ा ऑब्स्टिकल बनाया हो जाए। तो लिहाजा मैं फिर अपने बलोच नौजवानों से, जो कि कहते हैं कि बलोची जो विज़न है उनके हम अलमबरदार हैं, लेकिन बलोची विज़न को फौरन आपके जो फैक्टर्स हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। बलोची जो हमारा असल विज़न था, जो बलोचियत का हम नारा लगाते थे, बलोचियत का जो असल हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ये नहीं कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ें। ठीक है, स्टेट से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी उसमें आकर पहाड़ों पे जाए वगैरह करें। ठीक है ना जी, हमारा जो असल मिशन था पीस, प्रॉस्पेरिटी, अमन अमान और डेवलपमेंट में था। आज मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान का ये हाल रहा, और स्टेट से भी मैं ये अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान की जो तरक्की के वो काम हैं वो आप प्रायोरिटाइज़ उनको करें आप। ठीक है ना जी, और फिर मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के हालात ऐसे रहें तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, ख्वा वो बलोच हो, ख्वा वो पंजाबी हो, ख्वा वो सिंधी हो, जो भी हो, वो कभी हमारे सूबे में नहीं आएंगे। और उसके बरअक्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो बलोच हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो पंजाब में अपना खुशहाली, अपनी डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ते किरदार अदा कर रहे हैं, सिंध में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब ने, सिंध ने, ख्वा वो केपीके हो, वो उनके जो अवाम हैं उन्होंने बलोच नौजवानों को, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो नॉलेज स्मार्ट लोग हैं, उनको अपनाया है। लेकिन हमारे तरफ क्या होता है, हमारे तरफ कोई बाहर से आता है, बड़े बड़े सीटों पे बैठते हैं, हम उनको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि ये भाई हम उनको बुरा भला कहते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो इसीलिए बलूचिस्तान का ये हाल है आप सबके सामने। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा सूबा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। तो लिहाजा जो भी आप कदम उठाते हैं, सोच समझ के आप कदम उठाएं। और आखिर में क्योंकि बलूचिस्तान की जो आवाज़ है उसको बहुत कम मरकज़ में बहुत कम सुना जाता है, तो इसी मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं शहीद के एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी कबायली जो स्टेटस है वो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों से, जो कहते हैं ना ब्रेड विनर, वो भी तंजीमों ने शहीद किया है, उनके घरों में सिर्फ ख्वातीन हैं। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कुबैली मैदीन के साथ मैंने ये मशवरा किया कुछ अरसे पहले कि हम शोहदा फोरम के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिनमें जो हमारे शोहदा के वर्सा हैं, जो हमारे शोहदा के लवाकीन हैं, उनका जो मुतालबात हैं हम वो ऐवान तक पहुंचाएं। तो आप सब के तवसुत से मैं शोहदा फोरम का आप सबको दावत भी देता हूं, क्योंकि ये एक अच्छा काम भी है और बलूचिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। और जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि बलूचिस्तान शोहदा की सरजमीन है, तो आप भी जो नौजवान हैं जिनको आप जानते हैं कि वो शहीद के लवाकीन हैं या उनका किसी शहीद के साथ ताल्लुक़ है, आप उनका इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करवाएं, ताकि उनके जो ख़ानदान के इलाज हैं, उनके जो तालमी जो ऑब्स्टिकल्स वग़ैरह हैं
और उनके जो दूसरे मामलात हैं उनको हम खुद ही हैंडल शुदा फॉरम से हैंडल करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो आखिर में मैं फिर अपने नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि सियासत आप करें, लेकिन सियासत की आड़ में आप अपने मुल्क की सलामती, मुल्क की बुका को ठेस ना पहुँचाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहदाए पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी एक वो ये बात करेंगे फिर इकट्ठे कर लेते हैं, ये वो फिर कट कर लेते हैं। सवाल जाओ फिर कटे, सवाल जाओ फिर इकट्ठे कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम अली मदद जत्तक, मैं पीपल्स पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ, एक्स मिनिस्टर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप दोस्तों ने हमें टेम दिया और हमारी आवाज़ को पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी पहुँचाने में आप लोग किरदार अदा करोगे। मैं मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद ही शहीदों की पार्टी है। आपने देखा कि पार्टी की क्यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी और पार्टी के तमाम लीडरशिप ने, जितने भी सीनियर लीडरशिप थे, 9 मई के वाक़यात पे सख्त अल्फाज में मजम्मत किया और कहा कि इन लोगों को सजा दिया जाए। दोस्तों चूँकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हमने सियासत समझो कि 87 से हम पैदाइशी पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, हमारा तीसरा ये नस्ल है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, हमने खुसूसन पीपल्स पार्टी ने उस शख्स को तनकीद का निशाना बनाया मगर इदारों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, कारकुनों के साथ कराची कारसाज में हमारे तकरीबन 300 के करीब वर्कर शहीद हुए। पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हमारे वर्करों को कोड़े लगे, हमें हमारी क्यादत जेले काटे और हम इस हद तक नहीं गए कि हम GHQ पे हमला करें या हम अपने पाक फौज के पर हमला करें। हमने बिल्कुल उस डिक्टेटर को हमने टारगेट बनाया मगर हमने इदारे के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाया। और जनाब आसिफ अली जरदारी ने आपने खुद देखा कि बलूचिस्तान में हालात क्या था, यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया मगर हमने इस तरह नहीं किया। 14 साल जनाब आसिफ अली जरदारी जेल काटा। जब नेप का टीम जरदारी हाउस आया जनाब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी के साथ वर्कर नहीं थे? कभी उन लोगों ने मजामत नहीं किया, टीम को गले लगा के अपने बेटी से इजाजत करके वो जेल चला गया। और ईद का रात हमारी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर को पकड़ के जेल में डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पुरअमन एहतजाज किया मगर एक दिन के लिए ये गाली गलौज के जो ब्रिगेड, जो गाली गलौज के और फसादात के सरबरा को जब गिरफ्तार किया गया, आपने देखा हमारे मुल्क का हालात को और हमारे GHQ पे, क्वेटा में, किस तरह हर जगह पे तोड़ फोड़ आवाम को इतना नुकसान दिया गया कि आज मैं समझता हूँ 10 साल तक जो हमारे पाकिस्तान के नुकसान हुए वो पूरा नहीं होंगे। ये मुल्क है, हम हैं, हम जमहूरी तरीके से सियासत करते हैं। हमारे जितने शोधा है पीपल्स पार्टी के, इतने मैं समझता हूँ कि इमरान खान के वर्कर नहीं है। वो ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसने 5 साल 2 साल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि हम 50 दफ़ा जेल गए हैं, 12 महीना, 14 महीना, 13 महीना, 7 महीना ये जलाओ गेराओ की केस में, मगर इस हद तक पीपल्स पार्टी नहीं गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाली वारिस है,
इस मुल्क के दरख्त को हमने खून दिया है और देते रहेंगे। हमेशा इस मुल्क को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दिया। जनाब आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क को सी पैक का तोहफा दिया, जो कि इमरान खान ने इसको ख़त्म करने के लिए बड़ा कोशिश किया। इमरान खान तो मुआहदा कर रहा था कि इस मुल्क के एटमी पावर को हम ख़त्म करके किसी और को दे, कभी इस्लामी टच देने की कोशिश, कभी फिलान देने की कोशिश, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। यही हमारे इदारे के नौजवान अपने बहन, अपने बच्चियों, अपने बेटों की शादियों पे नहीं पहुंचते, हमारे हिफाजत करने के लिए वो रातों रात जागते हैं। और ये लोग अपने वर्करों को, अपने नौजवानों को जो है ना, जहनों में इस तरह जहर भराया गया कि मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करें, मुल्क के फौज के खिलाफ बात करें। भाई मुल्क का फौज है, हम हैं। जितना दुखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं समझता हूँ इस मुल्क में कोई भी नहीं है। इमरान खान का तो अभी तक मुर्गी का बच्चा कुर्बान नहीं हुआ है। हमने तो हज़ारों की तादाद में वर्कर कुर्बान किया, हमने तो पूरा लीडरशिप पीपल्स पार्टी का कुर्बान किया, मगर कुर्बानी दिया, शहीद हो गए, मगर आज तक हम उस रेड लाइन को पार नहीं किया, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए हमारा कुर्बानी है। तो मेरे दोस्तों, आप हम सब मिलके, ये मुल्क है कि आप सहाफत करोगे, ये मुल्क है कलमकार आवाज़ उठाएगा, हमने आपने मिलके इस साजिश को ख़त्म करना है। वो काम 70-74 साल में दुश्मन ने नहीं कर सका, 9 मई को इमरान खान ने करके दिखाया और आज तक उसने मजम्मत नहीं किया, आज तक मजम्मत नहीं किया। ऐसे ही कहा इसका कोई भी मजम्मत नहीं करता है, अभी पता नहीं इसका एजेंडा क्या है। फिर भी उस दिन उसने फिर भड़के मारना शुरू किया, हाँ अगर मुझे पकड़ते हैं फौजी तो लोग तो फौज की तरफ जाएंगे। भाई आपने इस मुल्क के लिए किया क्या है? आपका मुर्गी का बच्चा कुर्बान नहीं हुआ है, हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर, हमारे लीडर कुर्बान हो गए और हमने जेलें काटे, हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर जेलें काटे। हम इस हद तक नहीं गए कि नशे आदमी को ले आके हम लोगों पे मुसलत किया गया। अल्लाह पाक ने, आप दोस्तों ने, हम लोगों ने मिल के इस नापाक को, इस नासूर को इस मुल्क से हमने ख़त्म किया। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, ये अड़ियाला जेल में होगा, इसका मुलाकात करने वाला कोई नहीं होगा। हमारे पार्टी के क्यादत जब जेल में जाता था, ये हंसता था, वो भाई जेल तो बकौले शेख रशीद हमारा ससुराल है, मगर आप शादी नहीं किए तो आपको ससुराल की तरह से बदबख्त आया। तो जेल तो पीपल्स पार्टी के वर्करों ने काटा है, कुर्बानी पीपल्स पार्टी ने दिया है, कुर्बानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क को हम बचाएंगे। मगर बलूचिस्तान के लोगों की एहसास महरूमी को ख़त्म करना है और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का दौर आया, हम एहसास महरूमी को ख़त्म करेंगे। और बलूचिस्तान के नौजवानों को गलत वरगलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के नौजवानों को मुलाजिमत दे दो, बलूचिस्तान के नौजवान से मोहब्बत करो, ये हम भी। इस्लामाबाद में नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी ज़ाती मफाद के लिए कुर्बानियां नहीं दी, बल्कि हम पाकिस्तान के वफा के लिए कुर्बानियां दी हैं। 9 मई के वाक़ात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत आपका जमहूरी हक है, लेकिन सियासत की आड़ में मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पाकिस्तान आज कल मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज ने जो सब्र का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। उन्होंने 9 मई के वाक़ात पर कहा कि दिल खून के आंसू रो रहा है।